जय हिंद। मेरा नाम कुंदन और आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बिहार वाला आरबी सिंसियर। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कंस्टिपेशन प्रॉब्लम, ठीक है, जो पेट में कब्जियत होता है, जो खाने के बाद पेट गुड़गुड़ाने लगता है, तो ठीक है उसके बारे में हम बताने वाले हैं किस किस दिक्कत किस किस चीज से दिक्कत होता है, ये दिक्कत आपको आपके शरीर में कौन कौन से दिक्कत से होता है ना, तो उसके बारे में बताने वाले हैं कौन कौन से, मतलब आप जो कमी करते होंगे अपने बॉडी के लिए, मतलब डेली हैबिट में जो जो मतलब कमी करते होंगे अपने बॉडी में, उसके कारण क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ठीक है, कॉन्स्टिपेशन से जितना भी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन जो होता है ना, उस किस कारण से होता है, ठीक है, तो उस सारे वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, सबसे पहले आप खाने के बाद बहुत कम पानी पीते हैं, ठीक है, उसके कारण से होता है। कॉजेज हम बताने वाले हैं, लेस वाटर लेते हैं, बहुत कम पानी पी रहे हैं, ठीक है, उसके कारण कब्जियत होता है पेट में। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का हिंदी होता है कब्जियत, ठीक है, कब्जियत है ना, पेट में कब्जियत होता है। अगर एज आपका बढ़ने लग रहा है, ठीक है, एज बढ़ने लग रहा है, तो आपका फिजिकल एक्टिविटी हमेशा मतलब डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, उसके कारण भी होता है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, हर एक छोट छोट बीमारी में आप मेडिसिन ले रहे हैं, मान ले रहे हैं थोड़ा सा ही सर दर्द किया, मतलब थोड़ा सा ही पेट दर्द किया, मतलब आप उसको सह नहीं पा रहे हैं, पेन किलियर खा ले रहे हैं, ठीक है, उसके कारण से भी साइड इफेक्ट, हर दवा का देखिए साइड इफेक्ट होता है, उससे भी आपको क्या होता है, पेट में कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहता है। और लेस फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप मतलब खाने के बाद मतलब रोज चल नहीं रहे हैं, या आप मतलब खाकर सिर्फ सोए रह रहे हैं, उसके कारण भी लेस एक्टिविटी के कारण भी हो रहा है, कब्जियत होता है, ठीक है ना। और आपको लो फाइबर वाला खाना खा रहे हैं, मान लेते हैं आप सिर्फ फास्ट फूड खा रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें हरी सब्जियां वगैरह ये सब नहीं रह रहा है, तो लो फाइबर वाला खाना खाने से क्या होता है, कब्जियत होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उसका डाइजेशन ठीक से नहीं होता है ना। तो लो फाइबर अगर ले रहे हैं तो भी हो जाए, फास्ट फूड खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, उससे आपको क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। स्पाइसी फूड, और अगर ज्यादा मिर्ची खा रहे हैं, ठीक है, स्पाइसी फूड खा रहे हैं, अगर रेड मिर्ची ज्यादा खा रहे हैं, उसके कारण होता है ना। मीट नॉट टाइम, मतलब खाने का कोई टाइम नहीं है, है ना, खाने का कोई टाइम नहीं, हैबिट नहीं है कि हाँ हम आज 9 बजे खाएंगे तो कल भी 9 बजे खाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऐसा कर लेते हैं कि आज 9 बजे खाएं कल 2 बजे खाएं, इसे खाने का जो हैबिट होता है वो मतलब गड़बड़ा जाता है, उसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है ना। और लेट नाइट, मतलब लेट नाइट डिनर, अगर ज्यादा रात को डिनर करने से, ठीक है, आप ज्यादा रात को डिनर कर रहे हैं उसके बाद सो रहे हैं, तो खाना का डाइजेशन अच्छा से नहीं हो पाता है, ठीक है, उसलिए उसी के कारण भी क्या होता है, पेट में कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहता है। एक्सेस टी एंड कॉफी अगर ज्यादा ले रहे हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा, टी कॉफी ठीक है कम लीजिए, ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं, उसके कारण भी क्या होता है, पेट में आपको गैस बनता है, गैस के कारण कॉन्स्टिपेशन बनता है, कब्जियत बनता है। अगर टोबैको और सिगरेट का स्मोकिंग ले मतलब पी रहे हैं, ठीक है, सिगरेट पी रहे हैं, टोबैको खा रहे हैं, ठीक है, उसके कारण भी आपको क्या होता है, टोबैको कारण ब्रेन इफेक्ट होता है, और जो जितना भी ऑक्सीजन होता है ब्रेन की तरफ जाने लगता है वो, है ना, और जो एब्डोमेन में जो ऑक्सीजन आता है मतलब वो बहुत कम मात्रा में आने लगता है, और है ना, और वहां पे ब्लड का सप्लाई क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण आपका जो पेट है अच्छा से काम नहीं करता, इंटेस्टाइन अच्छा से काम नहीं करता, इसलिए उसमें डाइजेशन ठीक ठाक से नहीं होता है, इसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये हो गया, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, ज्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, ठीक है, ज्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, उसके कारण ज्यादा ब्लड का फ्लो होता है, उसके कारण ज्यादा ऑक्सीजन का फ्लो ब्रेन की तरफ होने लगता है, यही कारण नीचे ऑक्सीजन पेट में जो है ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो बहुत धीरे धीरे होता है, उसके कारण भी क्या होता है, डाइजेशन ठीक से नहीं काम करता है, डाइजेशन का प्रोसेस ठीक से नहीं चलता है, उसके कारण भी होता है। अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है T3 और T4 में, उसके कारण भी आपको क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। हार्मोनल चेंजेज, एज के बढ़ने से लेडीज में भी हार्मोनल चेंजेज होता है, और जेंट्स में भी हार्मोनल चेंजेज होता है, उसके कारण भी क्या हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर पेन क्लियर खा रहे हैं, मतलब पीछे ही बताए हैं, अगर पेन क्लियर खा रहे हैं ज्यादातर, उसके साइड इफेक्ट से भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट गुड़गुड़ाता है ना। और अल्कोहल ले रहे हैं, दारू पी रहे हैं आप, ज्यादातर दारू पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, मतलब हैबिट बना लिए हैं दारू पीने का, है ना, उसके कारण भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। और लो पोटेशियम और कैल्शियम का लेवल, आपके बॉडी में पोटेशियम और कैल्शियम का लेवल बहुत कम है, उसके कारण भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। और मीट ज्यादा खा रहे हैं आप, चिकन वगैरह ज्यादा खा रहे हैं, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये सब कॉजेज आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम में, है ना। अगर आप सिम्टम्स क्या, अगर देखिए, अगर आपको ये हो गया है,
कॉन्स्टिपेशन हो गया तो आपके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा वो हम बताने वाले हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो गया है तो आपको कैसे पहचान में आएगा बॉडी में कि हमारे कॉन्स्टिपेशन हो गया है, ठीक है ना। तो हम आपके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको तो कॉन्स्टिपेशन होगा तो गैस प्रॉब्लम होगा, है ना, गैस प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा गैस बनेगा पेट में, बहुत ज्यादा गैस बनेगा, है ना, गैस बनेगा और क्या हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, ब्लोटिंग, पेट आपका फूल जाएगा, पेट आगे की तरफ फूल जाएगा, पेट फूलेगा, गुड़गुड़ाएगा, है ना, ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। एसाइटिस होगा, एसाइटिस पेट मतलब एक्युमुलेशन ऑफ वाटर, पेट में, पेट की लेयर जो होता है ना उसमें पेरिटोनियम लेयर में क्या होता है, पानी भर जाता है, एसाइटिस हो जाएगा, है ना। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी, आपको बहुत कम भूख लगेगा, है ना। कॉन्स्टिपेशन होगा। रनिंग नोज, आपको सर्दी टाइप का होगा, रनिंग नोज मतलब रनिंग नोज में से क्या निकलेगा, व्हाइटिश पदार्थ निकलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रनिंग नोज, जिसको हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, जैसे सर्दी हो जाता है ना तो रनिंग नोज करता है वो होगा, है ना। हेडेक होगा आपको, सर में बहुत दर्द होगा, डिजीनेस, चक्कर आएगा आपको, कॉन्स्टिपेशन बनेगा उससे आपको चक्कर आएगा, डिजीनेस जिसको बोलते हैं, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, है ना, डिजीनेस होगा। नौजिया, वोमिटिंग टाइप का मन करेगा, उल्टी टाइप का मन करेगा, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो क्या होगा, बहुत ज्यादा उल्टी टाइप का मन करेगा, है ना। आपके अगर आपको पेट में गैस बन रहा है ज्यादा, है ना, गैस बन रहा है और क्या हो रहा है, गैस बन रहा है तो आपके चेहरे के ऊपर क्या होगा, पिंपल्स, बहुत सारा पिंपल्स निकलेगा गैस के कारण, है ना। बर्निंग सेंसेशन इन आई, आई जो होता है, आई आपका मतलब आंख में बहुत गड़ेगा, है ना, लग रहा है कुछ चुभ रहा है, तो बर्निंग सेंसेशन होता है इन आई में, आई क्या हो रहा है, आई गड़ रहा है, नहीं कहता है लोग कि आई मेरा गड़ रहा है, आंख मेरा गड़ रहा है ना, तो कॉन्स्टिपेशन के कारण होता है, पेट में गैस बनने के कारण होता है। पुअर डाइजेशन, बहुत खराब डाइजेशन होगा, कोई भी चीज खा रहे हैं तो अच्छा से डाइजेशन नहीं होगा, मतलब गुड़गुड़ाएगा पूरा पेट, कब्जियत बना रहेगा, है ना, और वीकनेस, आपको बहुत सारा कमी लगेगा, मतलब पूरा, मतलब कोई काम करने का मन नहीं करेगा, सिर्फ आपको सोए रहने का मन करेगा, सिर्फ टीवी देखे, खाइए पिए टीवी देखने का मन करेगा, है ना, ये सब आपको देखने को मिलेगा, वीकनेस मिलेगा। व्हाइट ग्रे कलर हो जाएगा, आप जब टंग देखिएगा, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, गैस के प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपना जीभ निकाल कर देखिएगा, है ना, जीभ ऐसे निकाल कर देखिएगा, उस पर व्हाइटिश कलर का और ग्रे कलर का हो जाता है जीभ आपका, है ना। वेस्ट पेन होगा, आपके कमर में बहुत ज्यादा दर्द होगा कॉन्स्टिपेशन के कारण और गैस के कारण, है ना, कमर में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, गैस हो रहा है, मतलब दर्द होता है कमर में, सॉरी। माउथ अल्सर होगा, आपके मुंह में क्या होता है, छल्ले पड़ जाता है, आपके जीभ में छल्ले पड़ जाता है, पूरे माउथ में छल्ला पड़ जाएगा, पेट में गैस होने के कारण, कॉन्स्टिपेशन होने के कारण, है ना। टाइट स्टूल होगा, जो मल होता है ना एनस के द्वारा, जो मतलब फिकल मेटल्स निकलता है एनस के द्वारा, मान लेते हैं इंटेस्टाइन है, छोटे इंटेस्टाइन बड़े इंटेस्टाइन यहाँ आकर क्या होता है, बनता है, छोटे इंटेस्टाइन बड़े इंटेस्टाइन यहाँ आकर एनस के द्वारा मल द्वार, इसको क्या बोलते हैं, गुद्दा, ठीक है, मल द्वार बोलते हैं, यहाँ से स्टूल जो होता है ना, बहुत आपको मतलब लाइटरिंग करने में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, स्टूल क्या होगा, बहुत टाइट होगा, अगर जिससे मतलब आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर जोर लगा रहे हैं लाइटिंग करने में तो आपको हो जाता है इंटेस्टाइनल कोलेप्स, जो इंटेस्टाइन होता है ना एनस के द्वारा निकल जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी के मेथड से ठीक करते हैं लोग, है ना, तो ये हो जाएगा आपको, टाइट स्टूल होगा बहुत ज्यादा, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमेक, स्टोमेक में सूजन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ये सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है ना। तो अगर ठीक करना है आपको, मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या है, कुछ मतलब ट्रीटमेंट खास नहीं है, आपको रोज नींबू पानी पीना है, अगर स्वाद अनुसार नमक डालना है, और सुबह शाम मतलब 3-4 टाइम पी सकते हैं नींबू पानी, हरी सब्जियां खानी है, मतलब ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, ये सब अगर डेली हैबिट में आप ला रहे हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो सकता है ना। कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम में हम इतना मतलब क्या बता दें, कॉजेज और आपको सिम्टम्स बता दिए, ट्रीटमेंट में क्या करना है, खाने के हैबिट में अगर फिजिकल एक्टिविटी करना है, एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ये सब मतलब नहीं करिएगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, पेट का भी गुड़गुड़ाएगा नहीं पूरा, हर सुबह रोज गर्म पानी पीजिए, है ना, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं दूर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।